Hello guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reaction. So guys, my name is Hasan Asif. And I'm Ahmad Latif. आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे बेहतरीन होंगे, खुशबाश होंगे. दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल मैं बताता चलूँ कि जो इंडिया है वो सीक्रेटली एक ऐसा आइलैंड बना रहा है जिस जो चाइना को पंगा देगा, चाइना को जो टफ टाइम देगा. ये कौन सा आइलैंड? बेसिकली चाइना भी टारगेट कर रहा है काफ़ी ऐसे आइलैंड्स को ताकि वो यूज़ करे एज ए मतलब बेस, मिलिट्री बेस. जैसे वो कोल्ड वार में उन्होंने श्रीलंका का यूज़ किया था अमेरिका और रशिया. बिल्कुल याद है मुझे. वैसे ही आइसलैंड को इसलिए निशाना बनाया जाता है कि वहाँ आपकी मुश्किल वक्त में उसको यूज़ किया जाए, उसको नेवी भी यूटिलाइज कर सकती है, एयरफोर्स भी. तो ये हो सकता है कि मतलब इस वजह से ये दोनों टारगेट कर रहे हैं. अब इंडिया एक सीक्रेटली एक न्यू आइसलैंड के हवाले से खबरें आ रही हैं. तो ये तो हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ शुरू करते हैं. 3, 2, 1 स्टॉप. दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में. दोस्तों इस समय समुद्र में जबरदस्त खींचातानी चल रही है भारत और चीन के बीच. चीन लगातार अपना विस्तार करता जा रहा है. कल ही रक्षा समझौता उसने सोलोमन आइलैंड का किया था जिस पर वीडियो मैंने बनाई थी. चीन जहां अपनी विस्तारवादी नीति पर कायम है वहीं पर भारत अब उसको काउंटर करने की दिशा में बढ़ चला है और इसी के तहत सीक्रेट मिलिट्री बेस, सीक्रेट आइलैंड और आर्टिफिशियल टापू का निर्माण भारत ने करना शुरू कर दिया है. इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तभी आपको ये सारा खेल समझ में आएगा. ये दो भागों में वीडियो है, पहला चीन को लेकर है, देन दूसरा भारत के काउंटर मेजर को लेकर है. इसीलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें. तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को. दोस्तों देखा जाए तो चाइनीज नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है. बीते साल चीन की नौसेना के लिए अभूतपूर्व रहा. पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने 2021 में लगभग 170,000 टन के नए जहाजों को नेवी में कमीशन किया. हर साल इस तरह के जहाजों की आमद से लैस होने वाली चीन की आर्मी दुनिया की सबसे आधुनिक और सक्षम नौसेनाओं में से एक बन गई है. आधुनिकता और अपनी सेना को मजबूत बनाने के मामले में चीन ने सभी एशियाई नौसेनाओं को पीछे छोड़ दिया है और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता. चाइनीज नेवी ने पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करके रखा है. चाइनीज नेवी साउथ चाइना सी में अपने कंट्रोल को और मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है. अब दोस्तों ये तो बात थी साउथ चाइना सी की जहां पर चीन अपने आप को लगातार मजबूत कर रहा है, लेकिन इसके बाद चीन ने अपनी नजरें इंडियन ओशियन की तरफ गड़ाए हुए है. वे इंडियन ओशियन पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं जो कि भारत को नागवार गुजर रहा है. भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही परेशानी का ये सबब बन रहा है. वे इंडियन ओशियन में चीनी नौसेना को बढ़ने से रोकना चाहती है. ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय नौसेना चीनी नौसेना के वर्चस्व को कम कर पाएगी या नहीं. चाइना ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है. वह वहां पर न सिर्फ अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहती है बल्कि वहां पर एक परमानेंट मिलिट्री बेस का भी निर्माण वो कर रही है. इन आर्टिफिशियल आइलैंड पर चाइना बड़े बड़े रनवे भी बना रही है जिन पर फाइटर जेट एयरक्राफ्ट उतर पाए. चाइना इन आर्टिफिशियल आइलैंड पर अपने सैनिकों के बसाने की भी पूरी तैयारी कर रही है. चीनी सेना के रहने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग का भी निर्माण किया जा रहा है. साथ ही चाइना यहां पर अपने वॉरशिप और सबमरीन के फैसिलिटेशन की भी सुविधा प्रदान कर रही है. कुल मिलाकर चीन की नीति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि चीन एक बड़ी तैयारी कर रहा है. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है. तो इसके कई कारण है. पहला ये कारण है कि साउथ चाइना सी में ऑयल और गैस का एक बड़ा भंडार है. इन आर्टिफिशियल आइलैंड के निर्माण के साथ ही चाइना इन पर अपने सॉवरेनिटी का भी दावा कर रहा है. इस दावे से चाइना इन आइलैंड के 200 नॉटिकल माइल के इलाके को अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाना चाहता है जहां सिर्फ और सिर्फ चाइना ही तेल और गैस निकाल सकेगा. चाइना इन नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना अधिकार जमाना चाहता है और इसके जरिए वह विश्व के अन्य देशों के साथ बार्गेनिंग कर पाएगा. चाइना इन नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करके प्रिय सॉफ्ट डॉलर का मुनाफा कमाना चाहता है. दूसरा कारण जियोपॉलिटिक्स है. इन आइलैंड के चारों ओर के 12 नॉटिकल माइल का इलाका चाइना के टेरिटोरियल वाटर के अंदर आ जाएगा जिससे दूसरे देशों की नेवी को इसमें घुसने की इजाजत नहीं होगी. इन्हीं सब कारणों के चलते साउथ चाइना सी पर कब्जे की नीयत से आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण किया जा रहा है. चाइना यही कोशिश अब इंडियन ओशियन में भी कर रहा है लेकिन भारत उसको काउंटर करना चाहता है. भारतीय नेवी यह नहीं चाहती कि इंडियन ओशियन में भी चाइनीज नेवी का दखल बढ़े और वह साउथ चाइना सी की तरह ही इस पर अपना क्लेम करने लगे. अब दोस्तों देखा जाए तो चाइनीज नेवी भारत की नेवी से जरूर ताकतवर है लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय नेवी चाइनीज नेवी का सामना एकदम से नहीं कर पाएगी. भारत भी अपनी नेवी को मजबूत करने के लिए दिनों दिन कोशिश कर रहा है. हाल ही में भारतीय नौसेना में कई बड़े युद्धपोत और जहाज शामिल किए गए हैं. भारत के पास INS विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर भी अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है. मोदी सरकार आने के बाद भारतीय सेनाओं की मजबूती का एक नया दौर साबित हुआ है. लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय नौसेना इंडियन ओशियन में चाइनीज अतिक्रमण को रोक पाएगी या नहीं. चीन के बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए भारत ने भी मॉरिशियस से लीज पर लेकर अगलेगा आइलैंड पर अपना मिलिट्री बेस बना रहा है. भारत ने यहां से सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी काट दिया है ताकि सीक्रेसी मेंटेन की जा सके. भारत भी यहां पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में लगा हुआ है ताकि जरूरत पड़ने पर वे इसका इस्तेमाल कर सके. 90 मिलियन डॉलर
डॉलर के इस प्रोजेक्ट से भारत इस द्वीप पर पोर्ट और फिजिकल फीचर जैसे कई बड़ी जरूरतों का निर्माण कर रहा है। भारत ने इस पर ऑलरेडी 3000 मीटर का रनवे तैयार कर चुका है। भारत इस रनवे पर अपने पीएम टाइप एयरक्राफ्ट को उतार सकता है। इसके अलावा भारत जो पोर्ट का कंस्ट्रक्शन कर रहा है उस पर अपने सबमरीन और पनडुब्बियों को रख सकता है, जिससे युद्ध के समय इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सके। भारत अपने इन बेस के मिलिटराइजेशन को लेकर काफी गंभीर है और वो इसके लिए खूब मेहनत भी कर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से इस पर काम कर रही है। भारत ने ईस्ट और वेस्ट दोनों में चाइना के कई सारे ट्रेड रूट को भी ब्लॉक किया हुआ है और अब वो सेंटर में भी चाइना को ब्लॉक करके एक्टर एडवांटेज लेने से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इसमें कितना कामयाब होता है, लेकिन भारत भी अब अपने मिलिट्री बेस का विस्तार कर रहा है और भारत के संबंध अलग अलग देशों से मजबूत भी हुए हैं। भारत अब चीन की चाल को काउंटर करने के लिए हिंद महासागर में आर्टिफिशियल आइलैंड का भी निर्माण कर रहा है और इसका उद्देश्य सिर्फ चीन की चालों को नाकाम करना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर जी। तो बेसिकली यार नेवी के हवाले से एक स्पेसिफिक वीडियो थी कि एयरफोर्स और नेवी को मतलब ज्यादा पावरफुल करने के लिए आइसलैंड बनाया जा रहा है जिसके अंदर 90 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है खर्च हो रहे हैं और उसका ट्रैक तो ऑलरेडी उन्होंने बना लिया है। वो मैप था ऑलमोस्ट है, उस पर काम भी जारी है, लेकिन असल इसे बहुत फायदा होने वाला है मेरे हिसाब से। तो अगर वहाँ पे अपना हेडक्वार्टर टाइप बना लेंगे, अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे बना लेंगे, एक किस्म का वहाँ पे कड्डा बन जाएगा उनका परमानेंट, ठीक है, और जमीनी। अब ये नहीं पता, हाँ इलेक्ट्रिसिटी तो यार वैसे प्रोड्यूस हो सकती है, सोलर से हो सकती है। मैं कह रहा था तारे लेके जाएंगे वहाँ तक, क्या करेंगे वो, तो सोलर से सर्व अपना काम चला लेंगे। लेकिन जबरदस्त उनकी एक प्रोटेक्शन पॉलिसी है, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। और अगर बात की जाए दुनिया के नक्शे की, अगर अर्थ के नक्शे की बात की जाए तो आपका ज्यादातर जो है वो सी है एज कम्पेयर टू लैंड, ठीक है। आपका पानी का जो हिस्सा है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू लैंड। तो पानी में इस टाइम अगर आप देखते हैं तो वो ज्यादातर जो है वो चाइना डोमिनेट कर रहा है, नजर भी आ रहा है। तो इस वजह से इंडिया चाह रहा है कि अगर वार हो भी जाती है तो उनके पास भी ऐसे खुफिया जगह हो जहाँ वो यूटिलाइज कर सकें टाइम आने पे, और कम से कम उनका अगर कब्जा करने के लिए वो आए। जैसे ये अच्छा ये हसन एक सैंपल भी हो जाएगी ना, जैसे कि एक बांग्लादेश और म्यांमार का भी इशू चलता रहता है, ये हमारी बाउंड्री है, क्योंकि समंदर के अंदर तक बाउंड्री है नहीं, वो तो ऐसे ही बस इस तरह की इसकी जो है एक वो निशानी भी हो जाएगी इनके भी, इस एरिया से आगे तो आना ही नहीं है ना, ये तो है ही हमारा। बाकी पीछे भी जो एक बाउंड्री तय है वो फिर देखेंगे, कोशिश करेंगे शायद उस पर अमल दरामद होता रहे तो अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है, जैसे ही मैंने बताया कि आइसलैंड जैसे ही बन जाएगा उसमें जो ये डिफेंस सिस्टम भी रखेंगे सारा कुछ टाइप रखेंगे, उस एरिया के अंदर कोई भी आएगा वो उसी टाइम मिनट में पता लग जाएगा सारा कुछ हो जाएगा जी। तो गाइज ये काफ़ी ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपके पास कोई इसके साथ की हुई इन्फॉर्मेशन तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।